आपके टर्म वन दिसंबर एग्जाम के लिए जो ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है तो उसके लिए सॉलिड चैप्टर सिलेबस का पार्ट है उसका पार्ट थ्री हम तैयार कर रहे हैं आज और सर्च करेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से निकल सकते हैं एंड देन आफ्टर आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ चैप्टर फिर हम क्या करने वाले हैं लाइन टू लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करेंगे तो पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए सेक्शन 1.2 में हमने क्या पढ़ा वी हैव लर्नड अबाउट amorphous substances and that they have only short range order जैसा कि आपको बताया गया था हाउएवर मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस आर क्रिस्टलाइन इन नेचर फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही क्वेश्चन आया था आपके पास ये दिख ही रहा है आप लोगों को कि जो मेटल है कॉपर हुआ ठीक है जी तो अगर आप गूगल सर्च करके आंसर ढूंढते हैं तो थोड़ा सा रहिएगा क्योंकि उन्होंने अपनी चॉइस के कोडिंग आंसर डाल रखे हैं तो मेटल्स जितने भी आएंगे आपके पास में वो आ, कैसे हैं क्रिस्टलाइन है जैसे लिखा ना मेटेलिक एलिमेंट लाइक आयरन कॉपर सिल्वर नॉन मेटेलिक एलिमेंट लाइक सल्फर फोस्फोरस आयोडीन कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड जिंक सल्फाइड एंड द क्रिस्टलाइन सोलि नॉन मेटलिक सारे नहीं है। लेकिन मेटलिक सारे के सारे हैं जैसा कि इसमें लिखा गया है जितने भी हैं। तो ऊपर के जैसे लिखा क्या सोडियम क्लोराइड जिंक तो ये आयनिक हो गया तो क्रिस्टलाइन हो गया और जितने भी आपके पोलीमर थे जैसे पोली यूरिथेन हो गया जैसे कि पीवीसी पोलिनाइल क्लोराइड हो गया है जैसे कि आपके पास ग्लास हो गया है जैसे कि आपके पास सेलोफेन हो गया है ये मोरफस की कैटेगरी में चले जाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं वो हम लोग तो क्रिस्टलाइन सोलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस वेज द मेथड डिपेंड्स ऑन द पर्पस इन हैंड। वी विल क्लासिफाई क्रिस्टलाइन सोलिड्स ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ बॉन्ड्स दैट होल्ड द कॉन्स्टिटेंट पार्टिकल्स जैसे आप मान के चलें कि मैं एन ए प्लस और सीएल माइनस की बीच की बात कर रहा हूँ एन ए प्लस सी एल माइनस के बीच की बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आप समझें कि उनके बीच का जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है जी तो मोलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड कौन से हैं फोर्स कौन से हैं होल्ड द कॉन्स्टिटेंट पार्टिकल्स टुगेदर दीज आर वेंडरवाल फोर्सेस वेरी इंपॉर्टेंट दूसरे नंबर पे आयोनिक बॉन्ड्स तीसरे नंबर पे एटम्स के बीच भी बनता है कोवेलेंट बॉन्ड मेटल्स के बीच बनता है मेटालिक बॉन्ड और इन्हीं के बिहाब पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं क्रिस्टलाइन का फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज मोलिकुलर आयोनिक जैसा कि सीक्वेंस में लिखा हुआ है, मेटेलिक फोर्थ नंबर पे या थर्ड पे लिखा है कोवलेंट सोलिड्स लेट अस नाउ लर्न तो मॉलिक्यूल्स आर द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सोलिड्स तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर सोलिड्स की बात कर रहे हैं मैं चाहूंगा कि एक बार ना आप ग्यारहवीं की सीक्वेंस में चले तो देखें आप इसको तो यहां जो आपके पास आयनिक सोलिड है इनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कौन है आयन हैं चाहे तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं सर सोलिड्स आर फॉर्म्ड बाय द थ्री डी अरेंजमेंट ऑफ द किटाइन एंड तो ठीक है जिसका नाम ही आयनिक बोन्ड है वो किटाइंस और एनायंस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनेगा ठीक है जी दी सोलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर जैसा कि आपको बताया गया आयनिक सोलिड है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है

आयन आय इनके पार्टिकल्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके एमपीबीपी हाई है ये रिजिड है, है, है इसके अलावा सोलिड स्टेट में इनमें आयन फ्री नहीं है सो so, इंसुलेटर है और अगर मैं इनको चेंज करता हूं पानी में डालता हूं या मोल्टन लेता हूं तो ये कंडक्टर बन जाएंगे ड्यू टू फ्री आय आफ्टर अगर आप चेक करें तो आपको मिलेंगे मेटलिक सोलिड्स ठीक है जी मेटल्स आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको आप इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी बोलते हैं जिसको आप इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी बोलते हैं ठीक है दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे एंड आर

हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी भाई एक जगह से अगर दूसरी जगह पर आपने करंट कैरी करवाना है या टेम्परेचर क्लियर या फिर इन दोनों को एक साथ फ्लो करवाना है तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल हैं तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल हैं व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द

अगर आपको कुछ दिख रही है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हैं मेटल्स आर है, हाईली मेलीएबल एंड डक्टाइल तो कुल मिलाकर इसमें हमें क्या कंक्लूजन निकला मेटल्स मेटल आयन के फॉर्म में ऑर्डरली अरेंज्ड है पहली बात इलेक्ट्रॉन का सी इलेक्ट्रॉन मोबाइल फॉर्म में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और हर एक मेटल एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता है। जो कंडक्टिविटी जो थर्मल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर कुछ केसेस में कलर अगर ऑब्जर्व होगा या चमक आएगी तो उसके पीछे वजह सिर्फ सिर्फ और इलेक्ट्रॉन्स ही हैं मेटल्स कलेक्शन ऑफ़ पॉजिटिव बाय बाय द एंड हेल्ड टुगेदर फ्री इलेक्ट्रॉन दिस उटवर्कमिलरलीट इज अपलाइड टू वन पोर्शन एनर्जीफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट बाई दी इलेक्ट्रॉन अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिकलर इन सर्टन केसेज दिस इज ऑल्सो ड्यू टू दर्जेंस इलेक्ट्रॉन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल एक ही है वो मेटेलिक क्रिस्टल्स के अंदर मेटेलिक सोलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही है तीसरे नंबर पे चलते हैं मोलिकुलर सोलिड्स ठीक है जी इनके कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स कौन है जी मोलिक्यूल्स हैं दीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज नॉन पोलर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट जीरो है दे कंप्राइज ईदर एटम्स जैसे नोबेल गैसेस हो गई हैं एग्जाम्पल आर्गन इन द मोलिक्यूल फोर्म बाय नॉन पोल दोनों मैंने बोर्ड पे आपके सामने रखे हुए हैं। इनको properly चेक करें तो इसमें भी भी आ रहे हैं और atoms भी आ रहे रहे हैं हैं। और फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हुआ क्लोरीन हुआ iodine हुआ। इन दी एटम्स और मोलिक्यूल्स तो कभी भी ध्यान रखें आपसे वो अगर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछता है या मैचिंग टाइप का कोई question पूछता है तो उसमें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बात जानी चाहिए कि जो आपके पास मोलिकुलर सोलिड्स है वो एटम से भी मिलकर बने हो सकते और मोलिक्यूल्स और इनके बीच में होंगे वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस जिसको आप लोग इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल भी बोलते हैं अबाउट विच यू हैव लर्न इन द द्लास इलेवेंथ स्टेटर चैप्टर था दी सोलिड्स आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी

the molecules of substances like hcl so2 etc are formed by polar covalent bonds the molecules in such solids are held together by relatively stronger dipole dipole interactions these solids are soft and non-conductor of electricity free electron no free electrons or ions their melting points are higher than those of non-polar molecular solid सोलिड सीओ टू सोलिड अमोनिया ये पोलर है बस ये खास बात है सीओ टू पोलर नहीं था हिलियम नियोन पोलर नहीं थे सोलिड तो सोलिड के एग्जाम्पल दे देकर एक आपसे क्वेश्चन मैचिंग टाइप का भी बना सकता है एक तरफ सीओ टू लिख दे सामने मैचिंग करवाना हो तो मोलिकुलर सोलिड है बट नॉन पोलर डिस्पर्शन लंडन फोर्स वाले अगर सोलिड सीओ टू सोलिड लिख दे तो ये पोलर मोलिकुलर सोलिड है और अगर वोटर लिख दे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनमें एग्जिस्ट करेगी द मोलिक्यूल्स ऑफ सच सोलिड कंटेन्स पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एच एफ ओ एन एटम्स स्ट्रोंग आपको पता है फोन के साथ जब भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग

और वो लिक्विड में लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है जी चलिए लास्ट एंड फाइनल जिससे आपके कोवलेंट बॉन्ड बना था उस तरफ बढ़ते हैं उसके अंदर नेटवर्क भी आ जाएंगे देन आफ्टर को करके फिर हम लोग अपना इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे फिर क्रिस्टल लेटिस यूनिट सेल इसके बारे में आपसे बात करेंगे वो हम वीडियो नंबर फोर्थ में डालेंगे आपके लिए तो क्वेश्चंस की सर्चिंग मारते रहें

हो ही नहीं सकता ग्रिफाइड से बढ़िया एग्जांपल आपके पास कोई हो ही नहीं सकता कोवलेंट बोन्स आर स्ट्रोंग एंड डायरेक्शनल डायरेक्शन का मतलब होता है ओवरलैपिंग होना डायरेक्शन का मतलब होता है ओवरलैपिंग होना डायरेक्शन का मतलब होता है ओवरलैपिंग होना देयर फॉर एटम्स आर हेल्ड वेरी स्ट्रॉन्गली एट देयर पोजिशन सच सोलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल डायमंड ग्रेफाइट की बात हो रही है फुलरीन की बात हो रही है दे हैव एक्सट्रीमली हाई एमपी एंड मेनी मे इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग क्लियर है मेल्ट होने से पहले पहले टूट जाएंगे डिकम्पोज हो जाएंगे तो यह लाइन बड़ी अच्छी हो सकती है आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए दे आर इंसुलेटर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ग्रीफाइट है ठीक है जी डायमंड एंड सिलिकन कार्बोइट एस आई सी दोनों सेम ही हैल एग्जाम्पल ऑफ सच सोलिड ओल दो ग्रेफाइट ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस क्लास ऑफ क्रिस्टल बट इट इज सॉफ्ट एंड इज ए कंडक्टर क्योंकि इसके पास हर एटम पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है इट इज एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी आर ड्यू टू इट्स टिपिकल स्ट्रक्चर कार्बन एटम्स आर अरेन्ज इन डिफरेंट लेयर्स ये देखिए आपके सामने हर कार्बन पर तीन वैलेंसी है हर कार्बन पर तीन वैलेंसी आपके पास ये देखिए हर कार्बन पे तीन वैलेंसी है एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन डिफरेंट और हाइब्रिड आपने सीखा था पिछले साल भी इच एटम इज कोवलेंटली तो ये शेयरिंग हो रखी है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डेड टू तो थ्री ऑफ इट्स नेबरिंग एटम्स इन सेम लेयर सेम लेयर में ये सेम The fourth valence electron of each atom is present between different layers and is free to move about. ये घूमने के लिए free है. These free electrons make graphite a good conductor of electricity. Different layers can slide. आप देखिए dry lubricant use होता है. ये dry lubricant use होता है. और क्यों ये dry lubricant use होता है? क्योंकि एक layer दूसरी layer पे फिसल सकती है, slide कर सकती है. Of four type of are in table. ये एक और इसके लिए पीब्लोक एलिमेंट को भी पढ़ा जा सकता है क्लास इलेवेंथ के पीब्लोक एलिमेंट के ग्रुप नंबर फोर्टीन के अंदर तो एक बार नजर मार ले हम लोग मोलिकुलर सोलिड्स एक नॉनपोलर है एआर सी सी एल फोर हाइड्रोजन आयोडीन कार्बन डाइऑक्साइड पोलर में एच सी एल एस ओ टू क्लियर ये सब पोलर में आ जाएंगे इनके बीच डाइपोल डाइपोल इंट्रेक्शन है या लंडन फोर्सेज है नेचर वही सॉफ्ट है कोई फ्री इलेक्ट्रॉन आयन नहीं है सो इंसुलेटर तो होंगे और इनका एम पी बी पी भी कम ही होएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी में मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल है आइस का एग्जाम्पल दिया हार्ड है वैसे तो फिजिकल नेचर बट फ्री इलेक्ट्रॉन आयन नहीं है कोलम्बिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है, है. है, है. Force, force हैं सब काम के लिए एन एस सी एल केसीएल जो भी में बना हो वो एग्जाम्पल यहां दिया जा सकता है हार्ड लेकिन ब्रिटेन है ब्रिटल का मतलब है जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके टुकड़े हो सकते हैं ड्यू टू रिपल्शन ऑफ सेम चार्ज स्टेट में इंसुलेटर है लेकिन में में कंडक्टर कंडक्टर है कई बार और हर फेज में अगर किसी को बोले तो वो है मेटेलिक सोलिड कंडक्टर इन सोलिड स्टेट एज वेल एज तो इन दोनों का कंपेरिजन हो सकता है अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन हमेशा कंडक्टर है सोलिड हो या कोई और फिजिकल स्टेट हो तो मेटेलिक सोलिड्स

मेटलिक uh, है तो इनडाइरेक्टली तो आप जो कटायन एन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो आयनिक टेंडेंसी जैसा ही हुआ कोवलेंट डायमंड ग्रेफाइट फुलरीन जो भी हमने फ्रेशली पढ़ा था एटम्स इसके लिए रिस्पांसिबल है कोवलेंट बॉन्डिंग मतलब शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है सिलिका आपने सिलिका का एग्जांपल भी लास्ट ईयर पढ़ा था ये एक जायंट मॉलिक्यूल है ये एक जायंट मॉलिक्यूल है ठीक है जी हार्ड है

क्लासीफाई द फॉलोइंग सोलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस, जैसे के टू एस ओ फोर है आयोनिक ठीक है जी टिन टिक टिन पचास नंबर का मेटल है बेंजीन डाइपोल डाइपोल इंटरक्शन तो हो नहीं सकते आयोनिक तो हो नहीं सकता तो फिर किस कैटेगरी में डाला जाए इसको तो साफ सी बात है जो बेंजीन है वो लंडन फोर्सेस वाला है

वाला है like है कार्बाइड लाइक डायमंड जैसा तो आप थोड़ा सा ऊपर झाके तो आपको नजर आ जाएगा कि जो सिलिकन कार्बाइड है उसकी कैटेगरी कोवलेंट नेटवर्क सोलिड्स की है कोवलेंट नेटवर्क की है ने सोलिड एस वेरी हार्ड वेरी हार्ड वेरी हार्ड वेरी हार्ड तो सोलिड ए वेरी हार्ड तो मेटल भी हो सकता है आयनिक भी हो सकता है और इसके अलावा नेटवर्क कोवलेंट भी हो सकता है इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है तो आयनिक अभी भी हो सकता है तो कट गया और कहीं ना कहीं इंसुलेटर है तो आपके पास नेटवर्क नेटवर्क क्रिस्टलाइन कोवलेंट बच गया दो बच गए इन स्टेट तो भाई कहीं ना कहीं नेटवर्क कोवोलेंट नेटवर्क कट गया सिर्फ मेटेलिक बच गया एंड हाई एस व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट जो ऑलवेज इंसुलेटर ऑलवेज तो फिर वो मेटेलिक की कैटेगरी में जा रहा है ठीक है जी आइनिक सोलिड कंडक्ट इन मोल्टन स्टेट ड्यू टू फ्री आयंस और सोलिड स्टेट में फ्री आयंस है नहीं? व्हाट टाइप ऑफ सोलिड्स आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टर डक्टाइल। तो भाई इसका आंसर वही इस... मेटेलिक है तो इनको एक बार जल्दी से रिवाइज करें तीन लेक्चर तीन वीडियो बीस पच्चीस मिनट 18 मिनट के आपके पास पहुंच चुके हैं हर बात एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है तो फोकस रहिएगा इन सब चीजों पे। देन आफ्टर हम क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल की बात करते हैं लाइन वाइज चलते हैं इन सब चीजों के अंदर